सरोकार। देश भर में मनाई जा रही ईद, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की चर्चा, दिल्ली में नड्डा से मिले सुरेश कश्यप, पदभार से मुक्त करने का आग्रह, अभी अधिकारी पुष्टि नहीं। पुलवामा हमले को सरकार की नाकामी बताने के बाद सीबीआई के रडार पर सत्यपाल मलिक, पूछताछ के लिए मिला समन। सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए तैयार करें प्लान, पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में दिए निर्देश। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट जाएगी शिंदे सरकार, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फित्र की ईद की बधाई दी है। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के सब्बाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है, इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पैगम्बर हजरत मोहम्मद के सन 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की, इसी की खुशी में उन्होंने ईद उल फितर मनाया और लोगों का मुंह मीठा किया। ईद की पूर्व संध्या पर रायबरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चांद का ऐलान होते ही एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह और सीओ सदर वंदना सिंह के अगुवाई में पुलिस ने पुराने शहर में पैदल मार्च किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने कहारों का अड्डा, अली मियां चौक, किला बाजार समेत खोया मंडी रोड पर पैदल मार्च किया। इस दौरान एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि आम लोगों से यह अपील की जा रही है कि वह त्योहार मनाए, लेकिन आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। सर, कल ईद उल अज़हा का त्यौहार है, शांति व्यवस्था को लेकर के क्या प्रोग्राम है? कल ईद के पर्व को लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है और हमारी जोनल और सेक्टर स्कीम के तहत हम लोगों ने इस पर पूरा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किया है। पूरे जनपद को हम लोगों ने 5 जोन में 6 सेक्टर में बांटा है। उसके अलावा सुबह के समय हमारी पोस्टर पार्टियां रहेंगी, रात में निगरानी के लिए ईदगाह और मस्जिदों की निगरानी के लिए स्पेशल निगरानी पार्टी लगा रहे हैं। सुबह के समय हम लोग पूरी सतर्कता बढ़ते हुए इसके लिए ड्रोन कैमरा रहेगा। प्रदेश में एक तरफ जहां निकाय चुनाव को लेकर चर्चा जारी है, वहीं बाराबंकी नगर पंचायत में हर बार चुनाव लड़ते हैं मोहम्मद सिद्दीकी ने अब की बार फिर रामनगर नगर पंचायत से अपना पर्चा जमा किया है। वहीं पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह सपा के कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। वहीं रामनगर पंचायत के सामने भारी फोर्स की तैनाती रही। शांति व्यवस्था के लिए भारी फोर्स एसओ क्षेत्र अधिकारी, उप जिलाधिकारी तान्या सिंह, तहसीलदार, सभी अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई के सांडी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर बसपा और भाजपा प्रत्याशी में जमकर चुनावी रंजिश देखने को मिला। बसपा प्रत्याशी रामजी गुप्ता ने सोशल मीडिया भाजपा प्रत्याशी पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज भाजपा प्रत्याशी समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशियों पर हमला बोल दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने रामजी गुप्ता पर आरोप भी लगाया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं रामजी गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हूँ। कल शाम को
मोहल्ला नवाबगंज वार्ड नंबर 5 में मैं अपने 20-25 समर्थकों के साथ कन्वेंसिंग कर रहा था, तो 9:35 पे कन्वेंसिंग करने के बाद जब समय समाप्त हो गया तो हमारे पीछे 150-200 लोग, जिसमें अनिल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, डिंपल गुप्ता, रोहित गुप्ता, मोहित गुप्ता, पुनीत वाजपेयी, राजा बाबू, मुन्ना बाबू, इन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। तो तब हम लोग एक मकान में शुभम गुप्ता के आवास पर जाकर घर में घुसकर अपनी जान बचाई, अगर ना भागते तो हम लोगों को वो मार डालते। इसलिए हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए। बसपा प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप भाजपा प्रत्याशी पर लगा है, किस नगरपालिका क्षेत्र का ये मामला है, क्या शिकायत आपसे की गई है, क्या पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है? ये सांडी के बारे में बताया जा रहा है, कथित रूप से कल शाम को कोई घटना हुई है धमकाने की और मारपीट करने की, इसके बारे में जो इसकी सत्यता है उसकी जांच की जा रही है, यदि यह घटना सत्य पाई जाएगी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया स्कूल पढ़ने भाई के साथ गई 5 साल की मासूम का रिश्ते में मामा ने अपहरण करके फिरौती की मांग किया। बच्ची को परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी को घेराबंदी करके बच्ची को मुक्त कराया गया। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आरोपी को घायल अवस्था में 50 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सदर कोतवाली के मंगला काली के पास की बताई जा रही है। 2 बजे एक सूचना मिली थी कि पड़िन दरवाजे में एक महिला और उनके देवर ने आके सूचना दी थी कि उनके 2 बच्चे स्कूल गए थे, एक 8 साल का और एक 5 साल की बच्ची। तो 5 साल की बच्ची को उसका रिश्तेदार है, एक मामा का बेटा लगता है, मेरा मामा है बच्ची का, वो उसे बहला फुसला के ले गया और बच्चे को बोला अभी इसको चिप्स वगैरह दे के हम स्कूल छोड़ देंगे। तो बच्चे ने लंच में जाकर देखा तो उसे बहन नहीं मिली, पर उसने उस समय सूचना नहीं दी। पुलिस को लगभग 2 बजे करीब सूचना मिली, जिस पर तत्काल टीम्स बनाई गई, टीम ने सर्विलांस के माध्यम से और फिजिकल। भैया क्या नाम आपका? संजय कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम हालेपुर जिला। आज बच्चे के सामने क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि साहब सुबह ये 7:30 बजे स्कूल आए, तो ये स्कूल आए तो उसने ऐसे बीच में पकड़ लिया। किसने? दीपक ने। दीपक ये कौन है? दीपक इनके मामा हैं, सगे मामा हैं। हाँ, बच्ची के। तो जब मैं उनकी छुट्टी हुई तो मैं गया स्कूल में, तो मैंने कहा इनकी ड्रेस लेनी थी स्कूल की, तो मैंने इससे पूछा इसका भाई था छोटा किससे बड़ा है, मैंने उससे पूछा बेटा बिट्टी कहाँ है, तो वो कहने लगा कि मामा ले गए सब। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हैं? क्या घटना घटी दिया आज आपके पीछे? बच्ची ले गए थे। कौन? ओ भाई, मतलब था इसका मामा था। आपका सगा भाई है? नहीं, सगा नहीं है। हाँ। मामा का लड़का था। अच्छा। तो पुलिस केस किया था। नहीं तो आपको कैसे जानकारी लगी वो लोग ले गए मामा के? वो जब उसकी छुट्टी हुई थी जब पता चला, हमें देवर हमारा लेके गया था। हाँ। तो हम फिर इधर कंप्लेंट कर रहे थे, जब पता चला हमें तो फिर मैम ने हमारी बहुत सहायता की, मैम ने सब कुछ किया है। तो ये किस स्कूल में पढ़ती है? किस क्लास की छात्रा है? एक में पढ़। फतेहपुर के औग थाना के सामने सिलेंडर गाड़ी पर कंटेनर ने जोरदार की टक्कर मार दी, जिससे मौके पर सिलेंडर गाड़ी से उतर रही 2 सवारियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिलेंडर गाड़ी शिवा हॉस्पिटल के बगल में स्थित खाई में जा पलटी, जिसके बाद कंटेनर चालक को पुलिस ने कड़ी मशक्कत से निकालकर सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।